ये ले मैडम, जी भर के सूप पिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतने से सूप से जी भर जाएगा मेरा? तो आप कहती हैं तो आपके लिए पूरी देग ले आता हूँ। कसम दिल खुश कर दिया यार तुमने तो। अरे क्या प्लानिंग की है, क्या बताऊँ तुम्हें देख के मेरा दिल चाहता है कि। क्या दिल चाहता है आपका? बहुत कुछ यार। आप अच्छा सुनो आसिफ, एक्चुअली मैंने ये सब किसी प्लानिंग के तहत नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मिसेस यूनिस मुझे मरियम के सैलून लेके जा रही है, और वहाँ जाके भी काफ़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये वही मरियम है। तो अब तो पता चल गया ना। तो अब यही कि अब बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? चलो आओ मिलकर प्लानिंग करते हैं। आसिफ प्लीज़, मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर उस लड़के से दोस्ती की है, और अब बस मैं तुम्हारी किसी भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी, और ना ही तुम्हारा कोई साथ दूंगी। साथ तो तुम्हें देना ही होगा अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो। आसिफ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये फजूल सा खेल क्यों खेल रहे हो। तुम्हारा दोस्त यहाँ से जा चुका है और वो खुश होगा अपनी जिंदगी में। तुम भी मरियम को खुश रहने दो, छोड़ दो ये सब। छोड़ नहीं सकता ना, अब तो मजा आने लगा खेल में। आप भी खाए ना, आजा नाश्ता कर ले। नहीं मैं दिल नहीं चाह रहा। मून मून नाश्ता तो कर ले। ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो नाश्ता किए बगैर चला जाए स्कूल। क्या हो गया ऐसे? तुम्हें तो नाश्ता नहीं करना था ना? क्या बात है बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम भाभी से सही तरह से बात नहीं कर रहे। अजीब सा रवैया है तुम्हारा। नहीं पप्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है मोन, इस वक्त तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की, और तुम सीधे मुँह बात नहीं कर रहे उनके साथ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। बुरा क्यों लग रहा है मोन? बुरा नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। अम्मी और अब्बू का एक और बच्चा। वो तुम्हारा भी कुछ लगेगा। मुझे और भाई बहन नहीं चाहिए, मैं और नूर काफ़ी नहीं थे। ऐसे नहीं कहते बेटा, अल्लाह के काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अभी तो तुम्हें अजीब लग रहा है ना, बाद में तुम उसे लिए लिए फिरोगे, प्यार करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। पता नहीं। क्या पता नहीं? अच्छा देखो, तुम्हारी अम्मी एक दो दिन में नानों की तरफ जा रही है, उनके जाने से पहले उनसे माफ़ी मांगो, ठीक है? जी पप्पू। परेशान है वो तुम्हारी वजह से। और स्कूल के बाद पार्लर आना, किसी से मिलवाना है मैंने तुम्हें। शाबाश, चलो नाश्ता कर लो जल्दी से। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।